टीकमगढ़ नगरपालिका हमेशा विवादों में ही रहती है। कभी आम जनता परेशान तो कभी कर्मचारी परेशान रहते हैं। एक ऐसा ही मामला और सामने आया है जहां कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर जन सुनवाई में गुहार लगाई है। कर्मचारियों द्वारा बताया गया है कि सातवें वेतनमान का 25% भुगतान कराए जाने की मांग काफी दिनों से की जा रही है, जिसको लेकर आज कर्मचारियों ने जन सुनवाई में गुहार लगाई और बताया गया है इसके पूर्व नगरपालिका सीएमओ से भुगतान की मांग करने जब कर्मचारी उनके पास पहुंचे तो उन्हें कैबिन से बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद निराश होकर कर्मचारियों द्वारा जन सुनवाई में ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग पूरी करने की मांग की। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जसद प्रसाद कुशवाहा। आप लोग यहाँ पर किस लिए? हम लोग इसलिए आए हैं कि जन सुनवाई में, कि पिछली बार हम लोग ने बड़े साफ में दिया था 28/1/21 में आवेदन एरियल के संबंध में, तो एरियल हम लोगों का बना रखा है, पूरे मध्य प्रदेश में भी एरियल बढ़ चुका है, साथ में वेतनमान का और जे देने के लाने तैयार नहीं है, जबकि उसकी ऑडिट भी हो गई। कौन देने के लिए तैयार नहीं है? अब वो तो सीमो है। सीमो साहब ने बात की, क्या कहा? सीमो के चैम्बर में हम लोग गए तो सीमो साहब ने भगाया हम लोगों, चलो निकल जाओ मेरे चैम्बर में से, क्यों मेरी मीटिंग चल रही है, एक गजेंद्र है, कोई गजेंद्र मास्टर पे है, वो उससे मीटिंग कर रही थी। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं हमारा एरियल में मिल जाए। अगर आपकी मांग शीघ्र पूर्ण नहीं होती क्या करेंगे? तो हम लोग आंदोलन करेंगे। अभी आप कलेक्टर सीओ साहब के पास आए हैं तो उन्हें क्या आश्वासन? उन्होंने जे दिया, उन्होंने सीओ साहब मैडम को फोन भी किया कि जे सातवें वेतनमान का एरियल है बना हुआ रखा है तो देने में क्या दिक्कत है तुम्हें, कलेक्टर साहब ने बोला है। मैंने 28/1 में भी दिया था 21 में, लेकिन उसमें भी कोई वो नहीं मिली है। अगर आपको लगता है कि सीमा मैडम आपको बता सकती हैं? अब सीमा मैडम यही है कि मतलब हम लोगों से हम लोग कोई समस्या लेके जाते हैं तो भगा देती हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।